दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय ट्रेसेस हेयर लॉज सोलन। अट्रैक्टिव दिखना हर किसी की ख्वाहिश होती है। अगर आप भी फैशन की चाह रखते हैं तो बेझिझक चले आइए सोलन के ट्रेसेस हेयर लॉज में, जहां स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट और क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ आपको प्रदान करता है बेहतरीन सर्विसेज, वो भी सस्ते दामों पर। ट्रेसेस हेयर लॉज के मालिक पंकज ने बताया कि यहां कस्टमर्स के लिए दिवाली पर अट्रैक्टिव पैकेजेस उपलब्ध हैं, तो आज ही संपर्क कीजिए। मिशन मोदी अगेन पीएम का पहला जिला कार्यकर्ता सम्मेलन बुधवार को नगर पालिका परिषद नाहन के हाल में संपन्न हुआ। समारोह में हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि आज नरेंद्र मोदी दुनिया की पहचान बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि न कि भारतवर्ष बल्कि विश्व में नरेंद्र मोदी की विशेष पहचान बन चुकी है। उन्होंने मिशन मोदी अगेन पीएम संगठन के जिला भर से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे केंद्र सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, निसंदेह वह सराहनीय है। इस अवसर पर मिशन मोदी अगेन पीएम के प्रदेशाध्यक्ष राकेश पठानिया ने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को पार्टी से हटकर आम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि 2019 के लोकसभा चुनावों में मोदी द्वारा प्रधानमंत्री बन सकें। और यही किसी संस्था की खासियत है कि उसके पास कितने कार्यकर्ता हैं, कितने जुझारू कार्यकर्ता हैं और कितने तरह के लोग उसके साथ जुड़े हैं। मैं मिशन मोदी की जिला की टीम को इस पहली सफल बैठक करने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी समय में मोदी जी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी के नाते हम सब लोगों के बीच में आया और अनेक अनेक ऐसे कार्यकर्ता नाहन में विद्यमान हैं जो मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और मोदी जी उनको भी व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। वो व्यक्तित्व जिसने धरातल की सच्चाई को, जमीनी हकीकत को लगातार देखा है, सुना है, अनुभव किया है, ऐसा व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए नाहन से ब्यूरो प्रभारी सूरत पुंडीर की रिपोर्ट।